Welcome everybody for the regular review meeting. All are present. The head of operations is still not there. So we will start shortly after he arrives. Okay. Hello, Krishna. हाँ सर. ये जो फील्ड में मोटर इन्वेस्टमेंट का काम किया था वो हो गया? सर मैं भी डीसीएस रूम में हूँ. मैं ये काम संभाल रही हूँ वहाँ पे. तो जैसे यहाँ पे तो वहाँ पे कैसे जाऊँगी? नहीं नहीं वो काम तो होना चाहिए. तुम बोला था ना मैंने कल पहले. सर फिर ये कौन संभालेगा यहाँ पे? मैं बीएससी स्टूडेंट हूँ. मैं यहाँ पे डीएससी संभाल डीसीएस वाला काम संभाल रही हूँ. वहाँ पे किसी और को भेज दीजिए आप. नहीं नहीं ये काम तो असाइन हो चुका है. होना चाहिए. आई विल कॉल यू बैक. सारा काम होने लगा. डीसीएस भी संभालो. फ्रेंड में भी जाओ. रंजन कितना काम हो गया? मैम कर ही रहा हूँ. मैं पहले तुम्हारे काम कब दिया था? सुबह तेरे को काम दिया था. डिसमेंटलिंग ठीक है. शिफ्टिंग लिफ्टिंग सब करा है. फिर उसको रिप्लेसमेंट करा है. कब हुआ वो सारा काम? मैम मॉर्निंग से कर ही रहा हूँ. क्रेन अवेलेबल नहीं है. यार कॉल कर दिया होता मुझे. कॉल कर दिया होता इन्फॉर्म कौन करेगा? एक काम ही होता है मुझसे. हेलो कृष्णा हो गया काम? सर मैंने बात की है रंजन से. ये काम चल रहा है. इसको और तीन चार घंटे लग जाएंगे काम. अरे नहीं यार ऐसे नहीं चलता. काम तो होना चाहिए ना टाइम पे. सर वो टाइम के हिसाब से ही काम होगा ना. मैं थोड़ा ना मुझसे काम करने लग जाऊँ. मैंने काम थोड़ा सुबह कर दिया. तब तक नहीं हो. मेरी थोड़ा ना गलती है उसमें. काम होना चाहिए. आई डोंट नो. ओके अच्छा सर ठीक है. हेलो गाइस सॉरी गाइस आई एम लेट. ओके आई हैव सम इशू विद दिस बीएससी रिक्रूटमेंट. These guys are behaving very rudely with us and with also with the junior and with the seniors. We have to deal with it, okay? क्या हो गया कुछ आज प्रॉब्लम? Yeah, they are not behaving correctly. Like I am giving them some work and they are not behaving and not completing the work also. There is some issue with them. Do you guys face any issue regarding this? मेरे पार्टनर ये दिक्कत आ रही है. जो नए रिक्रूट्स है वो दूसरे डिपार्टमेंट से प्रॉपर रिक्रूटेशन नहीं ले पा रहे हैं. इसके कारण पूरे प्रोसेस में दिक्कत हो रही है. कमर्शियल में प्रॉब्लम आ रही है. तो वेंडर के थ्रू जो फीडबैक मिला है उसमें बताया गया है कि एग्रेसिवली बिहेव कर रहे हैं. रूडली बिहेव कर रहे हैं. तो आगे वेंडर को प्रॉब्लम आ रही है. ओके तो लग रहा है ये मतलब थ्रू आउट द डिपार्टमेंट सारे जो बीएससी ट्रेनियर्स अपने नए ज्वाइन किए हैं तो रेगुलर को काम करने के बाद उनके पीपल इंटरेक्शन जो है दूसरे कलीग के साथ या फिर अदर वेंडर्स के साथ या अदर डिपार्टमेंट्स वालों के साथ वो थोड़ा सही नहीं है मुझे लगता है. तो इसके लिए ये प्रॉब्लम आ रहा है. जैसे आज भी डिले हुआ मुझे लग रहा है उसकी वजह से. आई थिंक देर इज सम गैप रिगार्डिंग दिस ऑफिस एटिकेट्स. तो सही से पता नहीं दूसरों को कैसे बिहेव करना चाहिए. कैसे कैसे दूसरों को सुनना चाहिए. कैसे अपना प्रॉब्लम बताना है. अपना पॉइंट रखना है. देर इज सम बिहेवियरल मिसमैच. सो तो सर मीटिंग रहते हैं जैसे ट्रेनिंग या बेटर होगा अपने ट्रेनिंग मॉड्यूल लेते हैं डेवलप करें जिसमें अपन ये सारे चीज़ें क्या क्या कॉमन बेसिक ऑफिस एटिकेट से उनको समझाएं वो चीज़ें और साथ में साथ डेमोन्स्ट्रेट करके क्या है हमारे सिनेरियो में क्या क्या एप्लीकेबल है. कैसे कैसे ऑलरेडी काम हो रहे हैं जो अपन इम्प्रूव कर सकते हैं तो उनको बताएं. इसके थ्रू चीज़ें धीरे धीरे इम्प्रूव हो जाएगी. ये प्रॉब्लम जो है धीरे धीरे सॉल्व हो जाएगी. हाँ सर जो नए हैं तो क्या कि कोऑर्डिनेशन में कुछ ना फॉलो करता है तो अपनी ट्रेनिंग मॉड्यूल ठीक है. आज हम एक दिन लेते हैं जिसमें ये ट्रेनिंग मॉड्यूल अपन डेवलप करेंगे. और सारे जो बी एस सी ट्रेनी है आप अपने डिपार्टमेंट्स में सबको आप इंटीमेट कर दीजिए. कल 10 बजे हमें ट्रेनिंग सबको देंगे तो सब लोग के जा देंगे. डन. ओके नाउ हाउ यू गोइंग टू टेक योर ट्रेनिंग? टू बिहेव और वी आर गोइंग टू इंटरेक्ट विद योर कलीग्स. सो मोस्ट ऑफ द अटेंडीज BSU training guys are just new to this world. So I hope this will help you a lot to improve you in your daily to daily daily work. Okay. Yeah. So first thing was, so first be punctual. This is a collaborative environment. Like some other people are also depending on your work. You'll be working in collaboration, so it's always essential that you arrive the office in time so that nobody or no work gets hampered because of you coming late. Okay. Second thing, never criticize or make fun of any of your colleagues. See, it's very natural that all of the people who are working here, everyone is different from others. Everyone's work styles and how they actually perform, how they communicate, those are different. So there will be some people who are more efficient than you, and there will be some people
will be less efficient than you. Okay, so there's some people's work style will be different than how you perform or how you expect them to perform. Okay, so it's not always advisable to criticize or make fun of your colleagues. Okay, take care of your pitch and tone at the workplace. Should be polite, calm to everybody who are working along with you, all the other people whom you are interacting, some external parties, vendors, everybody. You need to be very careful about your pitch. This must be a moderate pitch so that it will be easily audible and should be in a sweet tone. Okay, it's not that you start accusing or you start pointing or imposing things to somebody. You present your point in a sweet tone. Okay. Behave properly with seniors and juniors. So now, see, there will be some conditions as you guys must be aware about. Like when we want somebody to work as per this timeline or deadline, he may not be able to achieve that deadline. Okay, so this is like one scenario. Okay, on maybe you committed to do some work, but you finally failed. So you know these conditions arrive when exactly you face the situation that somebody is shouting at you or you may be shouting at somebody. Okay, so that's not the proper manner. Okay, should behave properly with seniors and juniors so that nobody should feel low because of your behavior. Okay, you should behave properly. Second, next is be properly dressed. Respect your fellow workers and help them whenever it's required. Don't share confidential data with external parties and any other individual who is not related to the organization. So this is something that you know. Whenever you receive any kind of mail or any, like you guys are working, so there must be some technical and confidential reports. Okay, so you must know up to which barrier you are going to share the data. Like if something is purely official or purely departmental purpose, so you're gonna share it within your department. Which one you gonna share with the cross department people, and which ones are that you are going to share with all the external bodies. Okay, so you must know and you must not violate this particular boundaries. Okay. Make sure that you turn off your PC while you go out for lunch or tea breaks so that nobody can access your personal computer or all the data inside it while you are not at the desk. That is something about data security. You should not get breach the required limits. Don't bring your personal work to office. So office time is purely it's all about what are the things that you are supposed to deliver throughout your work hours. So it should not mix up with your personal routine or some personal jobs. Okay, if you are in the office, whatever you are going to perform, that should be purely according to the requirement of your job or your client. Okay, Mohit, you can carry on. Also, would like to join Mr. Marana sir. Park your car, vehicle at the space allocated to you. जैसे कि हम देखते हैं कि सब जगह अपने वेदांत में पार्किंग बनाए हुए एज पर रूल अपने को पार्क करना है, रिवर्स पार्किंग है, कैमरा वगैरह सब को मेंटेन रखना है. नेक्स्ट, नेवर एवर ड्रिंक व्हाइल यू आर एट वर्क स्मोक ओनली एट द स्मोकिंग जोन्स. यहाँ पे कुछ डेजिग्नेटेड स्मोकिंग जोन्स बनाए हैं एट एवरी पॉइंट पे. जैसे अपन जैसे यूजी में, तो यूजी में कुछ पॉइंट बनाए हैं स्मोकिंग पॉइंट. सेम ऐसे अपने लोग सब जगह बनाए तो वहीं पर अपन स्मोकिंग करेंगे. नहीं, स्मोकिंग करना जरूरी नहीं, पर स्मोकिंग फॉर स्मोकर्स. वरना यहाँ से जाके सबको लगे यहाँ स्मोकिंग प्लेस है तो स्मोकिंग करना है, नहीं कर रहे वो भी करेंगे. थोड़ा प्रेजेंटेशन को मसालेदार बनाओ आप लोग. एक होता है क्लिनिकल प्रेजेंटेशन विच यू आर डूइंग राइट, थोड़ा सा तड़का डालो यार. डू नॉट लीव द रेस्ट रूम विद टैप्स ऑन. डू नॉट इंटरप्ट कोवर्कर्स. जैसे कोई अपना आप बताना चाह रहे हो कि मुझे ये काम है, अगर मैं आपको इंटरप्ट करूँ तो आपको भी अच्छा नहीं लगेगा, सेम मुझे तो समझ आएगा कि आप क्या बताना चाह रहे हो.
don't look at others' paper documents or computation without permissions. ये तो अच्छा नहीं क्या ना हक समझ के देख इसमें तो क्या हर किसी की प्राइवेसी होती है प्राइवेसी नोशन के हिसाब से अपने को ना तो किसी का पीसी ना किसी का अपना मोबाइल ना किसी को अपन विदाउट एनी परमिशन से अपन को ऐसी चीज करना नेवर अडॉप्ट ए कैजुअल एटीट्यूड एट वर्क जैसे अपन को कंपनी पे ऑफ कर रही है तो उस हिसाब से अपने को कुछ ड्यूटीज अपने को दी हुई है तो उस हिसाब से अपन वर्क करना होता है डोंट पीप इनटू अदर्स क्यूबिकल्स एंड वर्क स्टेशंस and walk inside the office. Do not open anyone else's notepad register or files without its permissions. सबके अपने files and notepads बने होते हैं जिनमें उनके कुछ personal data वगैरह maintain किए होते हैं तो without any permission तो कैसे? It's bare minimum to sneer or cough in public without covering your mouth. Avoid poking chewing gums. Keep your workstation clean and clean. अपने फोन को जब भी वर्क प्लेस पे जाते हैं कहीं पर कोई मीटिंग वगैरह में तो साइलेंट मोड पे रहना चाहिए ऑफिशियल नंबर योर फ्रेंड एंड रिलेटिव्स A separate phone, separate person use and don't exchange film, songs and documents for your mobile phone to official use. अपने फोन की जो रिंगटोन होती है वो कॉलर ट्यून होनी मतलब प्रॉपर कॉलर ट्यून होनी चाहिए जोक्स और कोई मोबाइल फिल्म की ट्यून की होनी चाहिए कौन सा था मम्मी का फोन आया फोन माँ का फोन माँ का फोन है Never shout on your phone. फोन पर कभी चलाना नहीं चाहिए किसी के लिए रीड द अदर पार्टी वेल रीड द अदर पार्टी वेल पार्टी में अच्छा वो रखना चाहिए स्पीक क्लियरली फोन पर क्लियर बात करनी चाहिए जब कोई दूसरा फोन में बात कर रहा हो तो उस समय आपको बात कम करनी चाहिए नहीं वो इसका मतलब नहीं है खाते खाते या पान मुंह में या गुटखा है और क्या बोल रहे थे भाई अच्छा मैं अभी बोलता हूँ मुझे क्या कर रहे हो कैसर 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 आवाज भी आ रही बैकग्राउंड में सामने वाला समझ जाता है कि आप साइलेंट खा रहे हो कि रसगुल्ला खा रहे हो उसको पता चल जाता है सो नेवर स्पीक Never use telephone call when you have something in your mouth. Be clear about what you intend to communicate. आपको पता होना चाहिए आप क्या बात करना चाह रहे हैं. उसके लिए clear होना चाहिए तब से. मैं शेयर को बोल रहा हूँ. Calls do not hamper your productivity. आपकी जो mobile calls हैं, जब आप ऑफिस में हो काम कर रहे हो या प्लांट में हो मोबाइल पे फोन आते रहते हैं सोशल कॉल्स आते रहते हैं यूज लीस्ट अमाउंट ऑफ टाइम है और हाँ भाई क्या हाल है इधर सारा ब्रेकडाउन पड़ा हुआ है हाँ भाई क्या हाल है अच्छा अरे यार वो पुराना फ्रेंड है 10 साल पहले वाला अब लग गया उसको इधर सर काम सफर कर रहा हो सर 10 साल पहले वाला फोन है सर बहुत जरूरी है लगे हुए फोन टाइम वेस्ट हो रहा है Avoid calling any of your circle or colleagues before 8 in the morning and after 8 in the evening. It's a general rule, need not necessarily be followed everywhere. Particularly in Hindustan Singh ki culture mein, sare phone call 8 baje ke baad hi shuru hote hain. So, boss has all the rights to violate this rule. You cannot say, sir, I'm going to 8 baje ke phone. Main training mein dekh ke aaya hain. 8 baje ke baad, my call is switched off. You cannot say that. So it depends on place, but yes, generally most of the companies have this. When employee is at home, it should not be disturbed. Next. Thank you, Mahesh. Thank you. Good. Next. और भी है यार जो meeting etiquette में वो भी part of office etiquette है हाँ.